हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विप्रो का प्रीवियस ईयर आस्क्ड रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फाइंड आउट द ऑड वर्ल्ड पेयर फ्रॉम द गिवेन अल्टरनेटिव। चार ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से ऑड नंबर कौन है, मीन्स तीन नंबर में एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, चौथा नंबर क्या है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ 24 मुझे दिख रहा है, 61, 24, 210। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये जो ऊपर का तीन नंबर है, जैसे 24 ये 4 से डिविजिबल है, 60 ये भी 4 से डिविजिबल है, 124 बाई 4 में करूँगा, 4 3 12 ये भी डिविजिबल है 4 से। लेकिन जो 210 है, मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, 4 5 20, 1 4 2 8, ये हमारा डिविजिबल नहीं है, ये हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 210। इसी टाइप का काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखूंगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि यार उनको इस वर्ड्स के जितना भी लेटर का जो नंबरिंग होता है, जो इसका प्लेस वैल्यू होता है, उनको याद नहीं रहता है, इसी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, इस रामबाण तरीका को पढ़ने के बाद आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर पाएंगे। देखो सबसे पहले आपको इसका जो प्लेस वैल्यू याद करने का मैं एक रामबाण फॉर्मूला बताता हूँ, जिसका नाम है इजोटी। इजोटी इसमें इसका प्लेस वैल्यू 5 10 15 20 25, इसका प्लेस वैल्यू है। जब इतना प्लेस वैल्यू आपको पता चल गया तो आप इसके आगे का और पीछे का आप प्लेस वैल्यू आसानी से पता कर लेंगे। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें से बताना है ऑड वर्ड कौन है, मीन्स तीन वर्ड्स ऐसा होगा जिसमें सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, लेकिन चौथा ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो मैं यहाँ लिखूंगा ओ क्यू टी एक्स, ओ का कितना होता है वैल्यू, तो यहाँ देख लो 15, क्यू का कितना होता है, तो ओ के बाद ओ पी क्यू 17, टी का कितना होता है 20, एक्स का कितना होता है, यहाँ देखो एक्स वाई इससे एक पहले होता है, मीन्स 24, ठीक है। वैसे दूसरा का लिखो आई एम एन क्यू, आई का कितना होता है 9, एम का कितना होता है, तो देखो जे के एल एम, तो कितना हो गया 13, यहाँ लिख लो जे के एल एम, 10 के बाद 11 12 13, और इसके बाद एम के बाद एन आता है तो 14, और क्यू का 17। वैसे ही ई जी जे एन, ई का कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 5, जी का कितना होता है, तो ई एफ जी 7, जे का कितना होता है, यहाँ देख लो 10, एन का कितना होता है, यहाँ देख लो 14, ठीक है। नेक्स्ट एक्स वाई, आपको सबको सबका प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ इतना का प्लेस वैल्यू याद रखते हो, इजोटी फॉर्मूला को याद रखते हो, तो आपका काम ऐसे ही चल जाएगा। एक्स का कितना होता है, तो आप लोग सर एक्स का 24 होता है, जेड का 26, सी का 3, और जी का जी एच जी का होता है यहाँ 7, यहाँ देख लो 7। अब देखो, अब इसमें पैटर्न खोजो। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इसमें +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें +4 हुआ है, ठीक है। इसमें +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें +4 हुआ है, इसमें +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ है। अब आप बोलोगे सर 26 के बाद यहाँ 3 29 होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा जेड के बाद फिर क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, जेड के बाद फिर क्या होता है, ए बी, तो जेड के बाद फिर 1 2 और 3, +3 हो गया, और यहाँ क्या है +4, इसमें क्या हुआ है +4 +1 +3। इसमें देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, लेकिन इसमें एक अलग ही पैटर्न है, एक जो पैटर्न है अलग ही दुनिया में है, तो यही क्या है ऑड है, यही सबसे अलग है, तो क्या हो जाएगा आई एम एन क्यू। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं अगर आपको इसका प्लेस वैल्यू याद है तब, अगर याद नहीं है तो फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी दिक्कत हो जाएगा, आपको सारा ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखना पड़ेगा और उसका पता करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूंगा यार आप इसको याद कर लो और हमेशा के लिए इस टाइप के क्वेश्चन से छुटकारा पा लो। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड, हर एक में वर्ड ऑड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। देखो तो यहाँ देख पा रहा हूँ 6 6 3 18, 7 2 1 4 1 9 1 9, 3 5 1 5, मुझे इसमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या कि 6 × 3 = 18 हो गया है, वैसे ही 7 × 2 = 14 हो गया है, वैसे ही इसको देखो 3 × 5 = कितना हो गया है 15, लेकिन ये देखो इसको मैं 1 × 9 करूंगा तो कितना होगा 9 होगा, और आगे मैं 0 लगा सकता हूँ 0 9, लेकिन यहाँ 19 है, यही क्या है ऑड है।
यही क्या है, ऑड है। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखते देखते आंसर पता चल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो और इस वीडियो को देखे हैं तो, ठीक है। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैंने C++, DSA और साथ ही साथ DBMS का बहुत अच्छा लेक्चर बनाकर डाला हुआ है, और भी प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद, और आपका प्लेसमेंट फिक्स है। तो देखो, ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। हमारे पास एक सीरीज दिया है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, चार ऑप्शन दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ उस फिल्म को जो हमारा फिल्म था उसके हिसाब से कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है, तो बहुत सारे लोग रैंचो मार्क चलाएंगे या फिर वायरस। नहीं, आंसर ऐसे नहीं होगा, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, अख्तर, फरहान, रस्तोगी, यहाँ क्या होगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है कितना है, 5, यहाँ कितना है, 6, यहाँ कितना है, 7। तो इस बात की मुझे अब गारंटी दिख रही है कि यहाँ जो होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें 8 होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ रैंचोर, नहीं जी वायरस, ये तो 5 है, नहीं साइलेंसर, ये हो सकता है प्रिया, ये तो छोटा है, तो क्या होगा, साइलेंसर। आंसर क्या होगा, साइलेंसर, यहाँ हो गया साइलेंसर। आपको पैटर्न देखना है, आपको सिर्फ नाम नहीं देखना, आपको पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है, उसी के हिसाब से आपको आंसर को गेस करना है। नेक्स्ट, अब देखो, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे आता है, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, ए बी सी डी ई, ऐसे ही आता है, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, देखना है कि किस टर्म में आ रहा है, किस पैटर्न में आ रहा है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सब में जी है, तो सब में जी है तो कोई भी पले आ सकता है। उसके बाद मैं सेकेंड लेटर देखूंगा, ए ए ए, इसमें आर, इसमें आर, मीन्स डी और ई तो पहले ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि उससे पहले ए आता है, तो डी और ई को मैं ऐसे ही काट भगाऊंगा। मैं देखूंगा 4, 5 किस में है, 4 इसमें है, ये कट गया, 4 इसमें है, कट गया, खत्म। अब देखो, ए के बाद मैं क्या देखूंगा, इसमें एल, इसमें एल है, एल एल, इसमें जेड, इसमें जेड है, पहले एल आता है कि पहले जेड आता है। तो आप बोलेंगे सर पहले हमारा एल आता है, पहले क्या आता है, एल आता है, मतलब 3 जो है, 3 तो पहले ऐसे ही नहीं होगा, तो 3 पहले ऐसे ही नहीं होगा। जब तीन ऑप्शन हमारा कट गया तो आंसर क्या बचेगा, 1। हमको सब कुछ चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, जहां मुझे आंसर मिलेगा मैं वहीं से छोड़ दूंगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है एग्जाम में कि मैं सब कुछ चेक करूंगा बारी बारी से और तब मैं आंसर निकालूंगा, नहीं, जहां मुझे आंसर मिला वहीं पे मैं रुकूंगा, आगे बढ़ूंगा, टिक करूंगा उसको। नेक्स्ट, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। नेक्स्ट, इसको देखो, ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। एक सीरीज दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ एक चीज, क्या आर क्यू पी के जे आई टी एस आर, मैं क्या देख रहा हूँ, पी एक बढ़ा दिया गया है क्यू और एक प्लस कर दिया गया है आर, वैसे ही आई के एक प्लस कर दिया गया है और फिर एक प्लस कर दिया है के, फिर आर प्लस वन एस, एस प्लस वन टी, आर एस टी आई जे के पी क्यू आर। तो ऐसा पैटर्न हमें खोजना है जिसमें एक एक प्लस हुआ हो। तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें ए सी बी, एक बाद दो प्लस, ऐसे ही खत्म, बी ए सी, बी ए सी उल्टा हो गया है, बी ए सी ऐसा नहीं है जी, सी के बाद बी के बाद ए नहीं आता है, ए के बाद सी नहीं आता है, इसके बीच में बी भी आता है, खत्म। ए हमारा सीधा कर दिया है, ए बी सी, मैं मुझे उल्टा करना है, सी के बाद बी उल्टा कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है, आर प्लस एस, आर प्लस वन, फिर एस प्लस वन, इसमें प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्या होगा, ए बी सी। टिक मारूंगा, आगे बढ़ूंगा, टिक मारूंगा, क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी है, जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जो 95% स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को देखते देखते छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि यार उनका जो बेसिक है क्लियर ही नहीं है। तो मैं आपका यहीं पे बेसिक क्लियर कर देता हूँ और एडवांस भी। क्या लिखा है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए इंटू एक्स मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू इन इक्वेशन। इतना पी प्लस क्यू, इसका मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, मीन्स जो पी है फादर है किसका, क्यू का, फादर के लिए मैं क्या कर दिया, फादर चूंकि पुलिंग होता है, मेल होता है, तो इसलिए मैं प्लस लिख दिया हूँ, और क्यू का जेंडर मुझे पता नहीं है, मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया, क्यू इंटू आर, तो इंटू का क्या मतलब है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मीन्स क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू प्लस आर, क्यू ब्रदर है मतलब क्या है, भाई है, भाई मतलब क्या है, मेल है, तो मैंने प्लस यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मुझे आर का जेंडर पता नहीं है, मैं ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद क्या है, ए भी हमारा कंप्लीट, आर माइनस एस, माइनस कहाँ गया, माइनस मीन्स ए माइनस बी, मीन्स क्या होता है,
ए इज द मदर ऑफ बी, मीन्स आर जो है मदर है, आर जो मदर है किसकी, मदर के लिए मैं निगेटिव साइन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि आर फीमेल है, मदर ऑफ किसकी, एस की, तो इससे नीचे होगी एस। ये हमारा क्या बन गया, ट्री बन गया, ये हमारा क्या हुआ, ट्री बन गया। तो क्वेश्चन है देन हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, जो एस है एस वो क्यू से कैसे रिलेटेड है, जो एस है वो क्यू से कैसे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो एस है इसका जेंडर हमें पता नहीं है, इसका जेंडर क्या है हमें पता ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, और जब मेल है और फीमेल हमें पता ही नहीं है तो मैं गेस ही नहीं कर पाऊंगा कि एस क्या है। तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा डेटा इनइक्वेट, जो डेटा है इन एडिक्वेट है, मीन्स डेटा सफिशियंट नहीं है, डेटा की कमी है। तो मैं क्या मारूंगा, डेटा इन एडिक्वेट पर टिक मारूंगा और वीडियो में आगे बढ़ जाऊंगा। आपको भी ऐसे ही करना है, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो और हमें सपोर्ट करो। एक क्वेश्चन काफी आसान मुझे दिख रहा है, मैं क्या करूंगा इसमें पहले डायरेक्शन का फिगर बनाऊंगा, और बोल रहा है एंगल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स, मैं एक्स यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ, एंड वॉक्ड स्ट्रेट 9 किलोमीटर वेस्ट। मैं क्या करूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 9 किलोमीटर इधर गया है, 9 किलोमीटर ठीक है, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट घूम जाता है और फिर जाता है कितना, 4 किलोमीटर ठीक है, अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट घूम जाता है, लेफ्ट इधर है और जाता है कितना, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम एक्स, तो एक्स जो है इससे किस डायरेक्शन में है, तो मैं देख रहा हूँ इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन कौन है, वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ कह लो या फिर साउथ वेस्ट कह लो, तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। एक क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करना चाहिए, आप काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपका माइंड काम कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा है तो फिर आसान से आसान क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि यार मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार इसके एग्जाम को निकाला हुआ है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, ए सीरीज दिया गया जिसमें एक टर्म मिसिंग है जो क्वेश्चन मार्क है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस डेट कंप्लीट द सीरीज, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसमें ऑप्शन में से हमें क्या करना है, फाउंड आउट करना है कौन सा आंसर होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 13 है, यहाँ 32.5, यहाँ 81.25, यहाँ 203.125, मैं देख पा रहा हूँ 13 से 32 कैसे आएगा, तो एक चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि मैं इसमें 2 को इंटू करता हूँ, 13 इंटू मैं 2 करता हूँ कितना हो जाएगा 26, और फिर 13 का मैं आधा करता हूँ कितना हो जाएगा 6.5, तो 0.5 इधर आ जाएगा 32.5, मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ 13 में 2.5 से इंटू कर रहा हूँ तो इतना आ जा रहा है, तो वैसे ही मैं इसमें अगर 2.5 का इंटू मैं करूँगा तो इतना आ जाएगा, वैसे ही मैं इसमें 2.5 का इंटू करूँगा तो इतना आ गया, अब मैं इसमें क्या करूंगा 2.5 का इंटू करूंगा 2.5 का, तो आंसर क्या होगा आप इसको करके देख लो, इसमें आप 2.5 का गुना कर दो तो आंसर क्या आएगा 507125, ये हमारा क्या होगा आंसर आएगा, आप इसको करके देख लो कि आंसर आ रहा है ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, देखो अगर आप विप्रो विप्रो की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक विप्रो प्लेलिस्ट करके बनाया है, विप्रो नाम का प्लेलिस्ट, उसमें मैंने बहुत सारा वीडियो, मैं हिंदी में लिखूंगा यहाँ, बहुत सारा मैंने वीडियो बना के डाला हुआ, आप जाओ जाकर देखो, सारा का सारा वीडियो बना कर डाला गया है, अगर उसको देख लोगे तो फिर हर एक एग्जाम का आप बेन बजा दोगे, आप किसी भी सर्विस कंपनी का में ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, विप्रो, कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी में एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जाओ जाकर देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ों को आपको बताया जा रहा है, आपको मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है कि आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाओगे कंटेंट से और आपको समझ में नहीं आएगा, और कोई बात आपको अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके कमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।